हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनास इजी गार्डनिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बोगेनविला प्लांट की समर केयर के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने बोगेनविला के प्लांट में की समर में केयर करें, जिससे आपका बोगेनविला का प्लांट पूरे समर भर बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करे और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करे। तो इसके लिए मैं आज आपको 4 टिप्स दूंगी, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है सनलाइट। बोगेनविला के प्लांट को 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप इसे सेमी शेड में रखेंगे या जहां पर 2 से 3 घंटे की इसे धूप मिलेगी तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, सिर्फ इसमें पत्तियां ही आती रहेंगी और इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए बोगेनविला के प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, वो भी 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसे सारे दिन की सुबह से लेकर के शाम की अच्छी सनलाइट मिलती रहे, तो पूरी गर्मी भर आपका ये बोगेनविला का प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। सेकंड पॉइंट आता है इसकी वाटरिंग के लिए। बोगेनविला के प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी आप बोगेनविला के प्लांट को वाटरिंग करें तो इसकी सॉइल को हाथ से छूकर देख लें। आप देख सकते हैं मेरा ये जो प्लांट है, इसकी जो ऊपर से सॉइल आप देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। जब इस तरह से बिल्कुल इसकी सॉइल सूख जाए आपको, तभी इसमें वाटरिंग करनी है। और जैसे आपने सुबह वाटरिंग कर दी है तो शाम को जब आप वाटरिंग करने चलें तो आप इसकी सॉइल को चेक कर लें। अगर वो पहले से मॉइस्ट है, गीली है, तो आप उसमें वाटरिंग बिल्कुल ना करें, उसमें नेक्स्ट डे वाटरिंग करें। इस तरह से अगर आप वाटरिंग करेंगे तो आपका बोगेनविला का प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। और अगर आपका बोगेनविला का प्लांट ऐसा है जिसमें फ्लावरिंग बिल्कुल हो ही नहीं रही है, तो उसके लिए आप ऐसा करिए कि अपने बोगेनविला के प्लांट को आप 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी वाटरिंग ना करिए। आप 4 से 5 दिन तक इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग ना करिए, और जब 4 से 5 दिन कंप्लीट हो जाए तब इसमें आप बहुत ही अच्छा वाला फर्टिलाइजर बना करके इसमें दे दीजिए। तब आपके बोगेनविला के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग, इंस्टेंट फ्लावरिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। आप ऐसा करके ज़रूर देखिएगा। ऐसा मैंने खुद अपने प्लांट में भी किया है कि 4 से 5 दिन मैंने इसमें वाटरिंग नहीं करी और उसके बाद मैंने इससे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र वाला वाटरिंग इसमें करी, तो इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बोगेनविला के प्लांट के लिए वो होती है इसकी प्रूनिंग और पिंचिंग करना। बोगेनविला के प्लांट में टिप पर ही फ्लावरिंग होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब ये फ्लावर सूख जाएंगे तो मैं यहीं से 2-3 इंच नीचे से इसकी कटिंग कर दूंगी। कटिंग करने के बाद यहीं से इस पर मल्टीपल ब्रांचेस निकल आती हैं और उन सभी नई मल्टीपल ब्रांचेस में ही बोगेनविला में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। अगर आप इसमें कटिंग नहीं करेंगे इसके सूखे फूलों के पास से, तो इसमें नई ब्रांचेस नहीं बनेंगी और नई ब्रांचेस नहीं बनेंगी तो इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। इसमें फ्लावरिंग नई ब्रांचेस में उसके टिप पर ही होती है। तो टाइम टू टाइम आपको अपने बोगेनविला के प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करेंगे फर्टिलाइजर की। जो 4th इंपॉर्टेंट टिप है वो है बोगेनविला के प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये एक हैवी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। जितने भी हैवी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट होते हैं उन्हें फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जो सबसे पहला और होममेड फ्री का फर्टिलाइजर है वो है बनाना पील फर्टिलाइजर। बनाना पील फर्टिलाइजर में बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है जो इसे हैवी फ्लावरिंग करने में हेल्प करता है। आप 2 से 3 बनाना के छिलकों को कट करके 24 घंटे के लिए 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए। 24 घंटे के बाद उस पानी में और उतना ही पानी मिला करके आप अपने बोगेनविला के प्लांट को हर 10 दिन में एक बार दे दीजिए। आपका बोगेनविला का प्लांट हमेशा फ्लावर्स से भरा रहेगा। सेकेंड जो फर्टिलाइजर है वो है ओनियन पील फर्टिलाइजर। 3 से 4 प्याज के छिलकों को आपको 1 लीटर पानी में भिगो देना है। 24 घंटे बाद उस पानी को छान करके उसमें उतना ही पानी और मिला देना है और अपने बोगेनविला के प्लांट में दे देना है। तो आपका बोगेनविला का जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। ओनियन पील फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो ये फ्लावरिंग करने में प्लांट को हेल्प करता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। इसके बाद जो बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइजर है
बोगेनविला के प्लांट के लिए है वो है गोबर की खाद। आप गोबर की खाद या तो वो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में से कोई एक चीज आप ले सकते हैं और इसे आपको 1 लीटर पानी में भिगोकर रख देना है, 3 दिन के लिए रख देना है आपको। और उसके बाद उस वाटर में 3 दिन के बाद उस वाटर में उतना ही वाटर और मिला करके आपको अपने बोगेनविला के प्लांट पर दे देना है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है बोगेनविला के प्लांट के लिए, इसे हम कंपोस्ट टी भी कहते हैं। इस तरह से कंपोस्ट टी बना करके अगर आप अपने प्लांट में देंगे तो आपका बोगेनविला का प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छे से करेगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप इन 4 टिप्स को फॉलो करिएगा और आपका बोगेनविला का प्लांट पूरे समर पर बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और ढेर सारे फूलों से लदा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।